ईडी ने कल किस अधिकार से अरविंद केजरीवाल के झूठे डाइट चार्ट को मीडिया में प्रचारित करवाया? क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਲੂ ਪੂੜੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਈਡੀ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसके खान पान से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं, ईडी ने कल किस अधिकार से अरविंद केजरीवाल के झूठे डाइट चार्ट को मीडिया में प्रचारित करवाया? इसके पीछे की क्या साजिश है? क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं? किसी बहाने से मारने की साजिश कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं क्या आप? क्योंकि जो कल आपने प्रचारित किया वो सरासर झूठ था, बेबुनियाद था। मैं पढ़ के बताता हूं। पहली बात तो यह कि अरविंद केजरीवाल जी शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक है, आज से नहीं 30 साल से। इंसुलिन लेते हैं, मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार रिपोर्टर जो भी उनसे थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी रखते होंगे वो सब ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन लेते हैं। और किसी भी शुगर के मरीज के लिए इंसुलिन दवा कितनी महत्वपूर्ण होती है कि अगर उसको समय पर इंसुलिन ना दी जाए तो उसकी जान जा सकती है, उसके जीवन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मेरा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इंसुलिन जो किसी भी शुगर के मरीज के लिए सबसे जरूरी दवा होती है, जीवन रक्षक दवा होती है, समय पर ना मिले तो जान जा सकती है, ऐसी इंसुलिन दवा भी उनको क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है? आप कल्पना कर सकते हैं, बड़े से बड़े अपराधी का ट्रीटमेंट एम्स जैसे अस्पताल में होता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल प्रशासन इंसुलिन मुहैया नहीं करा रहा है। और आप जानते हैं सामान्य तौर पे जेल प्रशासन अपनी ओर से नहीं कर सकता, जब तक उनके आका जो ऊपर बैठे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब तक वहां से निर्देश नहीं जाता कि यह करना है तुम्हें, यह करना है, ऐसे साजिश करनी है, ऐसे साजिश करनी है, तब तक वो अपनी ओर से ऐसा काम नहीं कर सकते। ईडी के अधिकारी झूठा डाइट चार्ट प्रचारित कर रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपनी शुगर खुद बढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ईडी के अधिकारियों को। 21 मार्च ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਸਾਜ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।